पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल की मजम्मत की जा रही है, लेकिन अमेरिकन हुकूमत जो है वो इसराइल को मना करने के बजाय और उसे सपोर्ट कर रही है। लिहाजा अमेरिकन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और इसराइली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक सख्त एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जा रहा है। 3 नवंबर को इस रैली में शिरकत करें। 3 नवंबर में बरोज़ जुमा एक बड़ी रैली निकालने का प्रोग्राम है जो स्टेट मैन से रवाना होगा और गांधी स्टेचू तक जाएगा। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और फ़िलिस्तीन के हमायत में 3 नवंबर 2023 को मरकजी कोलकाता के स्टेट्समैन ऑफिस के सामने से एक रैली का इनेकाद किया गया है जो गांधी स्टैचू तक जाएगी। वाज़े हो के ये रैली बाद नमाज जुमा शुरू होगी और गांधी स्टैचू तक जाएगी, लिहाजा आपसे शिरकत की अपील है। तमाम लोगों को शरीक किया जा रहा है और बहुत सारी जो तंजीमें हैं मुसलमानों की उनको एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा को अवामुन्नास से अपील की जा रही है कि आप तमाम हजरात उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों और अपनी एक आवाज़ बनाएं, अपनी एक ताकत बनाएं और उस आवाज़ को दुनिया के और भी दीगर हिस्सों में पहुँचाएँ। ये एक वक्त होगा जो खसूसी तौर पर अमेरिकन कौंसलेट से मिलेगा और उसको अपना मेमोरेंडम देगा और उसके बाद वहाँ एक जलसे की शक्ल होगी गांधी स्टेचू के पास। वहाँ कुछ लोगों के बयानात होंगे, बातें की जाएंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है और ख़ास तौर से मैं मसाजिद के अइम्मा हजरात से ये गुजारिश करता हूँ, नमाज जुमा बल्कि कबल नमाज जुमा आप हजरात अपनी अपनी मस्जिदों से ये ऐलान फरमा दें कि 3 तारीख के रैली में तमाम मुसलमान अपना ईमानी एक जज्बे के तहत जो मस्जिद अक्सा से मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता हैं। मस्जिद अक्सा क्या है बहुत लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि वहाँ हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे शबे मेराज में और वहाँ आपने तमाम अंबिया की इमामत की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की रूहों को वहाँ जमा कर दिया था। वहाँ 1,24,000 जो गिनती बताई जाती है इससे भी ज़्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम उन्होंने वहाँ नमाज़ें पढ़ी हुजूर के पीछे, हमारे आका मौला के पीछे। तो इस तरह से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी निस्बत है मस्जिद अक्सा से बैतुल मक़दिस से। वहाँ अंबिया की कब्रें हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तो वसीयत की थी कि मिस्र से जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी लाश को उठा कर ले जाना और फ़लस्तीन में ले जाके दफन करना। चुनांचे उनकी उनकी औलादों ने याकूब अलैहिस्सलाम को लाकर फ़िलिस्तीन में दफन किया, एक ताबूत में बंद करके लाए थे। इसलिए आज भी इसराइलियों का जो है वो उनका जनाजा ताबूत में उठता है। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ऐसे मुकद्दस जगह में आज ये मजालिम हो रहे हैं और वहाँ से मुसलमानों को निकालने और उनकी ज़मीनों को छीनने और उनको गसब करने की एक बड़ी बैनुल अक्वामी साजिश चल रही है जिसमें बड़ी ताकतें भी मुलव्वस हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसी की मजम्मत के लिए एक रैली निकालना चाहते हैं। आप तमाम हज़रात से तआवुन की दरख्वास्त है। इस तरह से उसको पामाल किया जा रहा है, आइए हम लोग दुआ कर लें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके और सुखने रहम व करम का मामला कर। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين. يا الله هم كيا هماري دعاء كيا. يا الله تسهم رحمتك كتردار.
अल्लाह रहम फरमा उम्मत मुहम्मदिया पर रहम फरमा, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत पर रहम फरमा। आमीन। जो लोग मारे जा रहे हैं वो सब के सब मुसलमान हैं, सब कलमा हुआ है, सब तेरा नाम लेने वाले हैं, तेरे रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह वहाँ मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों पर जुल्म सितम हो रहा है, न जाने कितने लोग मकानात के मलबे की तरह दबकर शहीद हो चुके हैं। या अल्लाह उन शुहदा की शहादत को कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह ये उनकी कुर्बानी है जो उन्होंने इस्लाम के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए दी है, बैतुल मक़दस के लिए दी है। अल्लाह ताला फलस्तीन के उन शुहदा की कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े उन पर रहम करना। या अल्लाह उन पर रहम फरमा, जालिम का हाथ पकड़ ले। अल्लाह जालिमों को तबाह और बर्बाद कर दे। अल्लाह जालिमों को देश को नाबूद कर दे। अल्लाह उनके नाम और निशान को मिटा दे। निगार आलम अपनी रहमत के सदक़े तेरे कब्जे में सब कुछ है, तू ही मालिक है इस जहान का, तू ही बादशाह है। ऐ बादशाह अपना फैसला नाफिज फरमा दे। अल्लाह अपना हुक्म नाजिल फरमा दे। परवरदिगार फिलिस्तीनियों को जालिमों के जुल्म से बचा ले। तमाम अहले इस्लाम को, तमाम इस्लामी ममालिक को जहाँ तेरे नाम लेने वाले बस रहे हैं, अल्लाह उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मसाजिद मकातिब मदारिस की हिफाजत फरमा। उलमा फुजला और कुर्रा और दीगर अइम्मा हजरात की हिफाजत फरमा। अल्लाह इनके जान और माल का तहफ्फुज़ फरमा। परवरदिगार हम लोगों ने जो कुछ तय किया है या अल्लाह उसमें खैर बरकत अता फरमा, उसमें हर तरह से अपनी हिफाजत, अपनी नुसरत और अपनी मदद फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु व सल्लम अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।